अभी आज तक जितने प्रॉब्लम होंगे ना आज तक सारे प्रॉब्लम का 70 टाइम्स कर लेंगे ईच हर प्रॉब्लम कितने टाइम हो गए ठीक है पढ़ लेंगे पक्का तू भी पढ़ ले हाय हाय टाइमिंग मिला क्या हुआ आई ना हाँ कुछ ऐसा भी कर लो बेस्ट ट्राई कर ली चलो चलते क्या यार रोड में बंद हो गया ये में नहीं हो पा पढ़ेंगे नहीं तो क्या हुआ ऐसा अब तक नहीं थी अब अच्छा तो नहीं पढ़ लेते थे तो कुछ भी याद है पीछे कुछ भी याद है हाँ सिद्धि नाम है
पूरा नहीं भी आता होगा ना, तो भी आपने कुछ पार्ट बहुत अच्छे से किया, काम चल रहा है। बात करता हूँ मैं, ठीक है? ये चलेंगे क्या करेंगे बोलो? ये सही, सीधा बोलो माइनस प्लस एस टू
calculate Vn from the solution obtained by mixing. Calculate Vn from the solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 m. 200 ml of 0.1 m. 200 ml of 0.1 m. Acetic acid. Acetic acid मतलब CH3COOH. ठीक है. Acetic acid. Bracket में लो K equal to 10 raised to minus 5. Bracket में K is equal to 10 to the power minus 5. 5. And 50 ml of 0.2 m. And 50 ml of 0.2 m. CaOH twice. Calcium dihydroxide. CaOH twice. CaOH. Oh, what is that?
C double O twice A plus S two O. तो कैसे? अगर यहाँ से दो O H निकलेगा तो यहाँ से कितने H plus करने चाहिए? दो. इसको balance करने के लिए आपको यहाँ दो करना पड़ेगा. C plus two C F C double O minus minus mono valent है ये. Divalent का टाइम. इसलिए इसको balance करने के लिए मैंने दो multiply किया. सब में मैंने आने नहीं बोला अंदर नहीं नहीं मैंने ओ बोला एक्सप्रेशन पे दैट वाज माय एक्सप्रेशन ये भी कारण था सही नहीं किया ध्यान से देखें चलो सर नॉट टेकिंग जीरो तीन सात स्कूल में आना है तो पानी पीना बंद कर तो उससे मरकर निकालने के लिए मुझे जहर दिलाई अरे सारे ऐसे तो लगे हाँ तो लगे देखा ही क्या ऐसे काम करते हैं तुम लोग हाँ जैन को चला है बस क्या रहना भाई कौन लोग कौन अपने जान दूसरा क्या होता है ठीक है इसके मिनिमम सिक्स है 0.1 इनटू टाइम देखो
इसमें
का फाइनल एनालिसिस होगा, सीएमसी को माइनस का बराबर इसका एनालिसिस होगा। इसका for
सोचो क्या बोला
चलो इसका एच का फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? अब अगर आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके एच एच का फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? इसको सॉल्व करके एच का फॉर्मूला निकाल सकते हो? मैथ्स इसका अच्छा फॉर्मूला था, आप पढ़ा करो मैथ्स का फॉर्मूला था, अच्छा मामला क्या? तो बस एक काम कर, राइट हैंड साइड में सिर्फ एच होना चाहिए और के एक्स का रिलेशन निकाल, इसका मैथ्स अच्छा निकालो और देखे किसके मैथ्स अच्छे रिलेशन निकालो उससे। Thank you.
class of the year. चलो क्वेश्चन ना होता है व्हाट इज एक्चुअल एक्सप्रेशन के एच बराबर एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ठीक है क्या होगा अंडर रूट के एच इक्वल टू एच बाय 1 माइनस एच अंडर रूट के एच माइनस के एच इनटू एच अंडर रूट के एच इक्वल टू क्या एच बदल जाएगा अंडर रूट के एच बराबर क्या आ जाएगा एच कॉमन है तो 1 प्लस अंडर रूट के एच ना एच का फॉर्मूला क्या निकला एच का फॉर्मूला निकला मेरा log of a minus multiply कर दो तो
माइनस वन बाई प्लस क्या देगा पी एच वन बाई टू पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला सबसे अलग है बाकी फॉर्मूलों से, क्या डिफरेंस है पी एच फॉर्मूला? वेरी गुड, सी टर्म यहाँ पे नहीं आया, समझना था ध्यान से। इस वाले फॉर्मूले में सी टर्म के नंबर भी आए नहीं, मतलब कम से कम आए नहीं, इसका मतलब सिर्फ यही ऐसा सॉल्ट होता है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड, इसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब में देखो कंसंट्रेशन का पार्ट है, अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो पीएच भी चेंज हो जाएगा, बट इसका पीएच सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा पीके और पीके भी, मतलब जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो सके भी ज्यादा या सी भी ज्यादा, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में बात सबको आया ना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे समझ में आया? क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग कुछ समझना चाहते हैं तो पहले कुछ सॉल्व सॉल्व करें। देखा हो
बातें कर रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ, और क्या बोला फिर? और फिर अच्छा लगा इसके बाद क्या किया? क्योंकि मंदर को बोला, सारे बनाए थे क्योंकि मंदर, क्योंकि मंदर सारे कुछ दिए थे मैंने, तो 48 अब 48 पर कब उधर समाप्त कर सकते हो? निकाल सकते हो एक्सप्रेशन को जाना कर लेना 49 ऑनलाइन पर ठीक है 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Thank you.
पार्ट टू बेसिक का, पार्ट थ्री का पहला पार्ट खत्म हो गया, कल पार्ट थ्री का सेकंड पार्ट चलो।